अरब सागर से मुंबई के अपोलो बंदर के पास पहुंचते ही हमें दिखती है गेटवे ऑफ इंडिया की पहली झलक। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि इस गेटवे को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत में 1911 में बनाया गया था। शाही काफिले के स्वागत में तैयार इस अस्थायी द्वार को देख महाराजा ने तब यह आदेश दिया था कि यहां एक स्थायी द्वार बनाया जाए। किसी ब्रिटिश शासक द्वारा ब्रिटिश राज वाले भारत की ये पहली यात्रा थी। तत्कालीन बंबई के गवर्नर लॉर्ड सिडनेम ने वास्तुकार जॉर्ज विटेट को यह आदेश दिया कि एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो प्रवेश द्वार के साथ ही सम्मान समारोहों का आयोजन स्थल भी हो। विटेट ने इसमें भारतीय और इस्लामिक शैली के साथ ही रोमन स्थापत्य कला के सुंदर मिले जुले रंग भरे। इसमें 14वीं से 17वीं शताब्दी के गुजरात और राजस्थान की स्थापत्य कला का भी प्रभाव है। इस विशाल सेंट्रल हॉल के दोनों तरफ एक एक कक्ष है जिसमें 600 लोग बैठ सकते हैं। सेंट्रल हॉल के ठीक ऊपर चार बुर्ज हैं और उनके बीच में है एक केंद्रीय गुंबद जिसका व्यास 15 मीटर है। जमीन से इसकी अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर है। पूरी सजावट बड़े प्यार से की गई है। बेसाल्ट स्टोन पर जाली और जटिल नक्काशी का काम देखते ही बनता है। गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में लगा पीला बेसाल्ट स्टोन जॉर्ज विटेट की पसंद था। मेहमानों के स्वागत के लिए बनाए गए इस गेटवे के इतिहास के साथ एक अजीब इत्तेफाक भी जुड़ा है। भारत की आजादी के बाद 28 फरवरी 1948 को अंतिम ब्रिटिश टुकड़ियों को यहीं से विदाई दी गई। आज इस गेटवे के बाजू में खड़ा है भव्य ताज महल होटल, साथ ही स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा और विशाल घोड़े पर सवार शिवाजी की दूसरी प्रतिमा। सच, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की शान है।